हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्लोब एक्सेस सॉल्यूशन व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ट्रैवल हिस्ट्री और इट्स क्वाइट वेरी वाइटल पार्ट इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल अब्रॉड और ट्रैवलिंग अब्रॉड फॉर द वर्क और मीटिंग आउट द फ्रेंड्स। तो एज यू मोस्ट ऑफ द गाइज यू नो दैट कि आजकल इमिग्रेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है और ईजिली वीज़ा ग्रांट नहीं करता है। तो हाउ टू गेट द वीज़ा ईजिली, द फर्स्ट पॉइंट इज़ यू शुड हैव अ ट्रैवल हिस्ट्री, एटलीस्ट द 2 to 3 कंट्रीज यू शुड हैव बीन ट्रेवल्ड प्रियोर टू अप्लाई एनी कंट्री वीज़ा एप्लीकेशन। तो उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप 30 से 40 हज़ार के अंदर कैसे 4 से 5 कंट्री ईजिली घूम सकते हैं। यस, इन 40,000 यू कैन ईजली ट्रैवल डाउन टू 4 कंट्रीज ईजली फ्रॉम द इंडिया। एंड ये जो ट्रिप है ये आपकी एशिया की ट्रिप होगी। यू कैन स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द वियतनाम। वियतनाम एक ऐसा गेटवे है एशिया की कंट्री का जहाँ पर आप ईजली जा सकते हैं और वहाँ पे जाने के लिए आप इवन दो 10 to 20,000 ईज़िली वहाँ पर जा सकते हैं बिकॉज दैट कंट्री इज़ क्वाइट वेरी चीप एंड देयर करेंसी इज़ क्वाइट वेरी लो इन कंपेयर टू इंडियन करेंसी। तो आपको एक्सचेंज रेट में जो पैसा मिलेगा उससे आप ईज़िली सर्वाइव कर सकते हैं एक हफ्ते के लिए। और जो टिकट्स पड़ती है वियतनाम की, इफ़ यू आर गोइंग टू बुक दैट टिकट द राउंड ट्रिप, इट वुड कॉस्ट अराउंड 6 to 7,000। यस, यू हर्ड इट राइट, दैट 6 to 7,000। और अगर राउंड ट्रिप में आप बुक करेंगे तो इट वुड कॉस्ट यू अराउंड 14,000। और अगर आप अर्जेंट बेसिस ये में या फाइनल मोमेंट पे बुक करते हैं द डे बिफोर योर डे प्रियर टू ट्रेवलिंग टू वियतनाम तो आपका कॉस्ट पड़ेगा अराउंड 8 to 9,000। तो रही बात आपकी कंप्लीट ट्रैवल हिस्ट्री की, तो आप वहाँ से थाईलैंड जा सकते हैं ईज़िली। थाईलैंड से आप कंबोडिया जा सकते हैं, कंबोडिया से लाओस जा सकते हैं, लाओस से आप मलेशिया भी जा सकते हैं। तो ये कंट्रीज़ आपस में बहुत क्लोज्ड हैं, दे शेयर देयर बॉर्डर्स ईज़िली एंड यू कैन ट्रैवल डाउन देयर ईज़िली। रही बात कंबोडिया की, तो कंबोडियन गवर्नमेंट थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई है, बट आप बाय बस वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ से पोर्ट एंट्री ले सकते हैं। बट आपको प्योर वीज़ा चाहिए, दैट वुड बी अ ई वीज़ा कंबोडिया। अर्लियर दे हैड द अरेंजमेंट कि आप अपॉन अराइविंग एट द पोर्ट आइदर बाय लैंड और बाय एयर, आप जब भी पोर्ट पे जाएंगे वहाँ पर आपको 50 USD में को स्टिकर लगा कर देते थे। बट दिस प्रोविज़न हैज़ बीन टर्मिनेटेड बाय द गवर्नमेंट बिकॉज द मिसयूज ऑफ दैट। और अब उन्होंने ई वीज़ा का प्रोविज़न शुरू किया, आप ईज़िली ई वीज़ा लेके जा सकते हैं और पोर्ट पर आपको एंट्री मिल जाएगी। वहाँ कंबोडिया से आप, उससे पहले आप थाईलैंड जा सकते हैं। थाईलैंड में वीज़ा ऑन अराइवल है इंडियंस के लिए, वहाँ पर भी दे देंगे। और आप इंडोनेशिया भी निकल सकते हैं, बाली जा सकते हैं, काफ़ी सारी कंट्रीज है जो आप कवर कर सकते हैं। एंड आपका जो पैकेज बनेगा वो अराउंड 40,000 का बनेगा। यस करेक्ट, आपका 40,000 का पैकेज बनेगा। आप 10 डेज के अराउंड आप ये सारी कंट्रीज ट्रैवल करके वापस इंडिया आ सकते हैं। आपको एक एक दो दो दिन का अपना टूर रखना पड़ेगा, आपका जो शेड्यूल होगा वो 1 से 2 दिन का होगा। आप सारी कंट्रीज ट्रैवल करके आप वापस आ सकते हैं। सो गाइज, इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द वीज़ा ऑफ एनी बिग कंट्री लाइक एनी शेंगेन कंट्री, US, Canada, Australia, Japan, so you would need a strong travel history because they surely see your passport that before to flying down to their country, how many countries you have traveled. So
आपको उसका एक्सपीरियंस है नहीं है, आपने एक्सपोजर लिया है इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का नहीं, दैट इज़ अ बिगेस्ट फैक्टर इन योर वीज़ा एप्लीकेशन। और कुछ कंट्रीज़ आज के टाइम में आपसे ट्रैवल हिस्ट्री का रिकॉर्ड भी मांगती है, लाइक स्टैम्प ऑफ एनी कंट्री वेयर यू हैव बीन ट्रैवल डाउन, और आपसे उसकी स्क्रीनशॉट्स मांगे जाएंगे, उसकी फ़ोटो कॉपीज़ मांगी जाएगी जो वीज़ा एप्लीकेशन के साथ आपको अटैच करनी होगी। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो ईज़िली वीज़ा ग्रांट कर देती हैं, बट दे आर नॉट द बिग नेशंस, दे आर क्वाइट वेरी स्मॉल कंट्रीज़ एंड द ई वीज़ा इज़ ईज़िली अवेलेबल फॉर दोज कंट्रीज। इवन यू हर्ड इन दीज डेज कि आर्मीनिया का जो ई वीज़ा है वो भी काफ़ी लोगों का रिजेक्ट हुआ है, और आर्मेनियन गवर्नमेंट भी ईज़िली वीज़ा ग्रांट नहीं कर रही है। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, बिकॉज ऑफ द परसेप्शन मेड बाय द इंडियंस लिविंग आउट देयर इन अब्रॉड। तो दैट कुड बी अ रीज़न, दैट कुड बी अ वन ऑफ द रीज़न्स। सो इंश्योर करें आप कि किसी भी बड़ी कंट्री के वीज़ा को अप्लाई करने से पहले आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी स्ट्रॉन्ग कर लें, so that they could make you can gain a trust on the visa officers or the immigration department or the counselor of that country ki aapne acha exposure liya hua hai international traveling ka aur aap easily wahan par manage kar sakte hain cheezon ko, that is a biggest factor in your visa application. I am emphasizing that because ki आज जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अभी तक काफ़ी कंट्रीज़ ट्रैवल की हैं, बट मैंने वीज़ा एप्लीकेशंस में जितनी भी कंट्रीज़ का मैंने वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल किया है, वहाँ पे लास्ट में मेरे को एक कॉलम दिखा है कि कितनी कंट्रीज़ आपने ट्रैवल किया, उसकी लिस्ट भी देनी पड़ती है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो ये ट्रैवल डिटेल्स, ट्रैवल हिस्ट्रीज़ मांगती हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं आपकी डे टू डे आपकी आइटनरी मांगेगी, फ़्लाइट आइटनरी मांगेगी, और आपका फैमिली बैकग्राउंड भी पूछेंगी, हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, हाउ फाइनेंशियली गुड यू आर, व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन, दैट कुड आल्सो मैटर इन योर वीज़ा एप्लीकेशन। तो गाइज इंश्योर कर लें, मेक श्योर कर लें कि आपका पासपोर्ट कम्प्लीटली ब्लैंक नहीं है बिफोर गोइंग टू अप्लाई फॉर द वीज़ा ऑफ एनी बिग नेशन। एटलीस्ट एक कंट्री आपने ट्रैवल की हो, इवन दो जो लोग स्पॉन्सरशिप, वर्क स्पॉन्सरशिप पे जाते हैं, एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप पे जाते हैं, इवन उनके उनके एप्लीकेशन के लिए भी ये चीज़ें मैटर करती हैं। अनटिल और अनलेस द एनी बिग कंपनी और द एमएनसी कंपनी इज़ गोइंग टू स्पॉन्सर यू, लाइक बहुत बड़ी आईटी कंपनीज हैं जो स्पॉन्सर करती हैं लोगों को, और इंटरनेशंस ट्रांसफ़र भी होते हैं उसमें, सच थिंग्स डज नॉट मैटर। बट अगर आप घूमने के लिए जाना चाहते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स स्पाउस या किसी रिलेटिव से मिलने जाना चाहते हैं, उसके लिए आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो सच थिंग डेफिनेटली मैटर्स। सो गाइज स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस, हम कुछ और नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे, और हमारा चैनल न्यू है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन, क्वेरी, कंसर्न्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन है आप हमें उस पे अप्रोच कर सकते हैं। सो गाइज बाय बाय, सी यू, वंदे मातरम, जय हिंद, और स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू गाइज़।